नमस्ते दोस्तों, तो एक बार फिर से आप लोग के डिमांड पे लेकर के आ चुके हैं एक और बेहतरीन कार, जिस गाड़ी का बेशक मुझे नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं तो दोस्तों गाड़ी का नाम है टाटा नैनो जी। यहाँ काफ़ी अपर मॉडल गाड़ी है। क्या प्राइस होने वाली है, क्या डील है, कैसे आप इस गाड़ी को ले सकते हैं, सारा कुछ डिटेल आज के वीडियो हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस गाड़ी के अंदर आपको CNG कंपनी फिटेड लगी हुई मिलेंगी। जी हाँ, यानी कि सोने पे सुहागा आपका होने वाला है इस गाड़ी को लेने के बाद, क्योंकि एवरेज इतना ज़्यादा बेहतरीन आपको मिलेगा ना कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। वैसे क्या एवरेज देगी उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे, सो डोंट वरी। सबसे पहले मैं आपको टायर बताऊँ इसमें, क्योंकि जैसा कि सेकेंड हैंड गाड़ी, और सेकेंड हैंड जब भी आप कोई गाड़ी ले रहे हैं तो उसका टायर कंडीशन जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। अगर मैं आपको इसका टायर कंडीशन बताऊं तो इसमें आपको मिल जाएगी दोस्तों 70-80% के आसपास टायर की लाइफ। जी हाँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, नो डाउट। और अगर हम बात करें दोस्तों इसमें एलोएस का साइज़ की, तो इसमें एलोएस सबसे पहले तो आती ही नहीं है, नॉर्मल स्टील व्हील का रिम जो होता है वही आता है। इसमें आपको 12 इंचेस का टायर साइज़ देखने को मिल जाएगा। हालांकि अगर आप इसमें एलोएस आफ्टर मार्केट लगवाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लास्टिक के व्हील कैप्स इसमें आपको कंपनी की तरफ से बेशक देखने को मिल जाएंगे। साइड में आपको एक भी स्क्रैच नहीं मिलेगी गाड़ी के ऊपर, सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि गाड़ी को काफ़ी संभाल कर रखा गया है। और अगर हम बात करें दोस्तों इस गाड़ी के पीछे से लुक की, तो पीछे से भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त गाड़ी लगती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो पीछे में काफ़ी बड़ा सा विंडशील्ड इस गाड़ी के अंदर दिया गया, वो अलग बात है कि विंडशील्ड के ऊपर कोई भी आपको रियर वाइपर नहीं मिलता और ना ही आपको डिफॉगर इसमें मिलेगा। अगर हम बात करें दोस्तों इसमें टेन लाइट्स की, तो गाड़ी के अंदर आपको टेन लाइट देखने को मिल जाएगा। स्टॉप लाइट में आपको बताऊँ तो जी हाँ, स्टॉप लाइट मिल जाएगा। स्पॉइलर भी इस गाड़ी के अंदर लगी है, टाटा के बैजिंग नैनो एलेक्स आप देख रहे वेरिएंट। अगर हम बात करें इंजन की, तो गाड़ी का जो इंजन है वो पीछे में ही मिल जाएगा। गाड़ी का बूट आप ओपन नहीं कर सकते दोस्तों पीछे से, बट ऐसा बात नहीं है कि गाड़ी के अंदर बूट नहीं दिया गया, बूट भी दिया गया। बूट ओपन करने वाले अगर आपको नैनो चाहिए तो फिर टाटा नैनो टॉप एंड मॉडल जो ट्विस्ट वेरिएंट आती है वो आपको लेनी पड़ेगी। ये ट्विस्ट वेरिएंट है, लेकिन ट्विस्ट से एक मॉडल जो नीचे की होती है ना वो वाली वेरिएंट है। और इसमें दोस्तों पीछे में इंजन दिया गया है, सो पीछे में इंजन होने के कारण बहुत लोग का ये भी कंप्लेन है कि इंजन का जो नॉइस है वो कैबिन तक आता है। तो ऐसा कोई सीन नहीं है, जब आप गाड़ी लेने जाएंगे तो टेस्ट ड्राइव लीजिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा नॉइस वॉइस आता है या फिर बस ऐसे ही झूठ मूठ का लोग फेंके हुए हैं बस। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरे साइड से, तो दूसरे साइड से भी लुक काफ़ी ज़्यादा शानदार इस गाड़ी का आपको मिल जाएगा। और ORVM की अगर हम बात करें तो ORVM इसमें आपको दोनों साइड मिल जाएंगी, जो कि काफ़ी परफेक्ट वर्क करती हैं। वो अलग बात है कि ORVM के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल जैसा फीचर्स नहीं मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें इस गाड़ी के बूट की, बूट क्योंकि पीछे से तो ओपन नहीं हो सकता, तो बहुत लोगों को तो ऐसा लगता है ना कि नैनो के अंदर बूट स्पेस ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, बूट इसमें दिया गया दोस्तों, बूट को यूज़ करने के लिए पीछे का जो डोर है वो आपको ओपन करना पड़ेगा, देन जो पीछे का सीट है ना उसको आप डाउन करिएगा, जितना भी स्पेस है वो सारा बूट स्पेस ही है। इसमें आपको 210 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 से 3 लगेज आप बहुत ही आराम से रख सकते हैं बिना कोई परेशानी के। अगर हम बात करें आगे से कि आगे में आपको क्या क्या मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर दोस्तों, सबसे पहले तो फेंडर के ऊपर साइड इंडिकेटर मिल जाएगी। फ्रंट में आपको नॉर्मल हाइलोजन हेडलाइट देखने को मिल जाएगा। साइड इंडिकेटर की बात करें तो जी हाँ भैया, साइड इंडिकेटर भी आपको इसमें मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉग लैम्प की बात करें तो फॉग लैम्प भी इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाएगा, साथ में क्रोम की फिनिशिंग जो होती है वो आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपको टाटा की बैजिंग मिल जाएगी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें आपको फ्रंट में सिंगल वाइपर देखने को मिल जाएगा, वो इसलिए क्योंकि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा छोटी है, सो सिंगल वाइपर ही दिया गया, दो वाइपर नहीं दिया गया इस गाड़ी के अंदर। और कहीं ना कहीं कंपनी का मोटो था कॉस्ट कटिंग का, तो भी किया गया। और कुछ इस टाइप से गाड़ी का इंटीरियर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दिखता है, नो डाउट। और डुअल टोन कलर के साथ इंटीरियर मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। जिसमें अगर स्टीयरिंग की बात करें तो जी हाँ, 3-स्कोप स्टीयरिंग व्हील है, पावर स्टीयरिंग के साथ ही गाड़ी आती है। बहुत लोगों को तो ऐसा लगता है कि नैनो के अंदर पावर स्टीयरिंग नहीं आती, बट ऐसा कोई सीन नहीं है दोस्तों, पावर स्टीयरिंग इसमें बिल्कुल आती है। वो अलग बात है कि स्टीयरिंग के ऊपर आपको कंट्रोल्स जो होती हैं वो देखने को नहीं मिलेंगी, जैसे मीडिया कंट्रोल्स, कॉलिंग कंट्रोल्स, ये सब कंट्रोल्स आपको नहीं मिलेंगे। अगर हम बात करें इस गाड़ी के मीटर की, यानी कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो नॉर्मल बेसिक सा दिया गया, कोई भी डिजिटल मीटर इस गाड़ी के अंदर नहीं दिया गया। साथ ही साथ इसमें आपको फ्रंट में 2 बड़े बड़े ग्लव बॉक्स दिए गए हैं, जिसमें काफ़ी बढ़िया स्पेस है। और ग्लव बॉक्स के जस्ट बगल में आपको 2 स्पीकर्स भी दिए गए हैं, सो म्यूज़िक में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 2 स्पीकर्स आगे और 2 स्पीकर्स पीछे इस गाड़ी के अंदर दिए गए हैं। कुल मिलाकर बताऊँ तो 4 स्पीकर गाड़ी के अंदर दिए गए हैं। साथ में अगर हम AC की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको फ्रंट में 4 AC वैन देखने को मिल जाएंगी विथ हीटर के साथ, सो ठंडी हो या गर्मी दोनों में आप इस गाड़ी के AC के पूरे पूरे मज़े उठा सकते हैं, नो डाउट। साथ ही साथ अगर हम बात करें इस गाड़ी के AC कंट्रोल्स की, तो मैनुअली AC कंट्रोल्स इसमें दिया गया। और अगर म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो इसमें जो म्यूजिक सिस्टम है दोस्तों, वो आफ्टर मार्केट लगाई गई है, कोई कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम नहीं है। और कुछ इस टाइप से गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि आप देख सकते हैं करीब से, 120 टॉप स्पीड गाड़ी के अंदर दिया गया, हालांकि ज़्यादा 120 बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों।
और कितने किलोमीटर चली है वो आप मीटर में देख सकते हैं, बाकी जो मीटर के अंदर लाइट होती हैं वो हैं। और कुछ इस टाइप से आपको को पैसेंजर साइड सीट मिल जाता है, काफ़ी कंफर्टेबल है नो डाउट। कंफर्ट और स्पेस के बारे में बिल्कुल सोचने की आपको जरूरत नहीं है इस गाड़ी के अंदर दोस्तों। पीछे में भी बहुत बढ़िया स्पेस है जो कि आप देख सकते हैं, 2 से 3 लोग बहुत ही आराम से बैठ सकते हैं बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से। 5 फीट के हैं या फिर आप 6 फीट के हैं बहुत आराम से बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ इस टाइप से इसमें आपको आगे में देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर हर गाड़ी का इंजन होता है वहाँ पर दोस्तों इसमें आपको स्टेपनी देखने को मिल जाएगा आगे में। जी हाँ, इसमें स्टेपनी है। इसमें बस दिक्कत मुझे एक ही चीज़ की लगी, इस गाड़ी का फ्यूल गेज। जी हाँ, जो स्टेपनी है उसके बगल में आपको फ्यूल गेज देखने को मिल रहा होगा, ब्लैक कलर का छोटा सा ढक्कन, वही है इस गाड़ी का फ्यूल गेज। तो कहीं ना कहीं फ्यूल जब डलवाएंगे तो इसी तरीके से आपको बोनट ओपन करना पड़ेगा गाड़ी का, देन आप फ्यूल डलवा सकते हैं। तो दिक्कत बस यही लगी मुझे उस गाड़ी के अंदर, बाकी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। साथ में CNG का जो मीटर है वो भी आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर आपको देखने को मिल रहा होगा। चलिए बात कर लेते हैं मॉडल की। टाटा नैनो 2013 मॉडल आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोअर मॉडल नहीं है दोस्तों, मीडियम आप बोल सकते हैं। अगर हम बात करें CNG पेट्रोल है या नहीं, तो जी हाँ CNG पेट्रोल है। किलोमीटर मैं आपको बताऊँ तो 77,000 के आसपास से जो गाड़ी अभी तक में चल चुकी है। साथ में गियर की अगर हम बात करें तो मैनुअल गियर इसमें आपको मिल जाती है। ऑनरशिप की बात करें तो फर्स्ट ऑनर गाड़ी है, आप जब लेंगे तो बन जाएंगे इस गाड़ी का सेकंड ऑनर। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं दोस्तों, जीजे रजिस्टर्ड नंबर है गाड़ी है। लोकेशन की बात करें तो अभी ये गाड़ी है अहमदाबाद में। हालांकि गाड़ी का जो NOC होता है वो अवेलेबल है, सो कोई भी तरीके की कोई भी आपको दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। आप कोई भी स्टेट से या फिर कोई भी डिस्ट्रिक्ट से आप बहुत ही आराम से इस गाड़ी को बाई कर सकते हैं बिना कोई परेशानी के, सो डोंट वरी। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस गाड़ी से कि इंजन से रिलेटेड इंजन आपको कैसे इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ दोस्तों, तो टाटा नैनो के अंदर आपको 624 cc का इंजन देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी बेहतरीन है। और नंबर ऑफ सिलेंडर की बात करें तो 2 सिलेंडर इंजन इसमें आपको मिल जाता है। वहीं अगर हम पावर की बात करें तो 37.48 BHP का जो पावर है वो जनरेट करती है गाड़ी 5500 RPM पे। और अगर टॉर्क मैं आपको बताऊं तो इसमें आपको 51 Nm का टॉर्क मिल जाएगा जो कि 4000 RPM तक जाती है। और अगर सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो 4 लोग को आप बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से गाड़ी में बैठा सकते हैं। ट्रांसमिशन इसमें आपको मैनुअली देखने को मिल जाएगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 24 लीटर का इसमें आपको फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगा और 5 किलो का आपको इसमें CNG टैंक मिल जाएगा। साथ में बॉडी टाइप की बात करें तो हैचबैक में गाड़ी आती है, ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको 180 mm का देखने को मिल जाएगा। पावर स्टेरिंग है, पावर विंडोज आपको देखने को मिल जाएगा फ्रंट में सिर्फ, एयर कंडीशनर गाड़ी है, व्हील कवर्स इसमें आपको मिल जाएंगे, फॉग लैंप आपको देखने को मिल जाएंगे, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है यानी कि ABS नहीं है, ड्राइवर के पास एयर बैग्स नहीं है, पैसेंजर एयर बैग नहीं है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स इसमें नहीं है। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के प्राइसिंग के बारे में। दोस्तों इस गाड़ी को लेने के लिए आपको देने पड़ेंगे 1,40,000 रुपये जो कि ऑनर का आस्किंग प्राइस है, लेकिन ऑब्वियसली आप हमारे चैनल पर वीडियोज़ देख रहे हैं तो आप कॉस्ट आपको प्राइस थोड़ा उतना होगा शेवल देखने को मिल जाएगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये गाड़ी को लेने के लिए दोस्तों आपको खर्च करने पड़ेंगे 1,20,000 से 1,30,000 के अंदर में। रही बात ऑनर के कॉन्टैक्ट नंबर की, तो मैं आपको डिस्प्ले पर प्रोवाइड करा दिया हूँ, तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पर आपको कॉल करना है, सीधा ऑनर से बात हो जाएगा। जो भी आपको गाड़ी के बारे में पूछना हो आप बात करिए, पूछिए जो भी आपको, फिर चाहे वो पेपर से रिलेटेड हो या गाड़ी से रिलेटेड, पूछिए और गाड़ी को देखिए, टेस्ट ड्राइव लीजिए, पसंद आए तो बिल्कुल आप गाड़ी को ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ।